पचहत्तर साल देश के विविध प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स भारत देश को दिन दिन बहुत ऊंचा ले गए और आज हम खुशहाल हैं। श्रद्धेय नरेंद्र भाई को हमारी सरकार, हमारी जनता को मेरा शत शत प्रणाम। ये सब मैं कहने के बाद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक उनकी श्लोक है उनका, जो मैं सुनाने जा रही हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे, यही मुझे विश्वास है। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ। सदियों गूंजते रहेंगे लता जी के गीत। लेखिका है मालिनी अवस्थी, जो जानी मानी लोक गायिका भी हैं। सरस्वती पूजा के अगले ही दिन गंधर्व लोक को और भी सुंदर बनाने के लिए लता जी देवलोक को प्रस्थान कर गईं। ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती इस बार अपनी सबसे प्रिय पुत्री को ले जाने स्वयं आई थी। मेरे जैसे प्रत्येक भारतीय का सुर से पहला परिचय लता मंगेशकर जी की दैवी आवाज ही थी। उनकी संगीतमय सुरीली आवाज का जादू हर भारतीय के अवचेतन मानस पटल पर सदा के लिए अंकित हो गया और आगे भी रहेगा। रेडियो श्रीलंका, विविध भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन आदि से गूंजते लता जी के गीत हम सबके वजूद का हिस्सा बन गए हैं। गीतों में प्राण फूकने का जादू उन्हें ही आता था। हर गीत को अपना बना लेने में उन्हें महारत हासिल थी। वह कंठ से नहीं, आत्मा से गाती थी और इसलिए उनके गीत लोगों के दिल को छू जाते थे। उन्होंने संगीत के कठिन शास्त्र को 3 मिनट का मंत्र बनाकर ऐसा सिद्ध किया कि बड़े बड़े गवैये साधक उनकी इस दैवी सिद्धि को नमन करते थे और यह तय है कि आगे भी सदा करते रहेंगे। लता जी ने 92 वर्ष का ऐसा सुंदर और सार्थक जीवन जिया जिनका एक एक पल सुरों के रचना संसार के निर्माण में व्यतीत हुआ। लगभग 5 पीढ़ियों ने उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुना और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें इसी तरह सुनती रहेंगी, क्योंकि उनकी आवाज में जो जादू था उसका कोई सानी नहीं था। यही कारण है कि लाखों संगीत साधकों ने उन्हें अपने हृदय में सरस्वती की भांत प्रतिष्ठित किया हुआ है। लता जी माता पिता की भक्त थी, वह अपनी सफलता में उनके ही आशीर्वाद का उल्लेख करती थी। अपने गुणी पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी से संगीत की शिक्षा लेने वाली लता जी ने जैसा संघर्ष किया और फिर उपलब्धियों के जैसे शिखर को छुआ, उसकी कल्पना करना कठिन है। पिता के असामयिक निधन ने उनके जीवन में तमाम अवरोध खड़े कर दिए। छोटी सी उम्र में उनके ऊपर अपने परिवार के पालन पोषण का दायित्व आ गया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को संभालने के साथ परिवार को भी सहारा दिया। उस समय मुंबई सिने जगत पर नूरजहां, शमशाद बेगम, राजकुमारी, अमीर बाई, कर्नाटकी आदि की आवाज़ गूंजा करती थी।
धीरे धीरे अपने कठिन परिश्रम और लगन से उन्होंने चित्रपट संगीत पर अपनी प्रतिभा का ऐसा लोहा मनवाया कि उनके शानदार आवाज के साथ ही हिंदी चित्रपट की आवाज लता जी की आवाज बन गई। इसी के साथ लता मंगेशकर युग का प्रारंभ हो गया, जो कभी खत्म नहीं हुआ। इसी युग के बगैर गीत संगीत जगत की कल्पना करना कठिन है। कहते हैं कि 2013 में जब हिंदी फिल्म जगत ने अपने 100 साल पूरे किए थे तो लता जी ने कहा था कि इसमें से 7 दशक मेरे हैं। लता जी को सुनिए तो ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती ने उन्हें स्वयं बैठकर संवारा और सिखाया था। मुझे लगता है कि स्त्री के जीवन का कौन सा ऐसा रूप था, कौन सा ऐसा तेवर था, कौन सा ऐसा भाव था जो लता जी ने न गाकर दिखाए हों। बच्चे को सुलाती माँ की ममता मई लोरी हो या भक्ति भाव में डूबी प्रार्थना, प्रेम में आकंठ डूबी अल्लड़ किशोरी हो या वियोग में तड़पती बिरहन, 10 वर्ष की बच्ची की आवाज हो या 16 वर्ष की चंचला, लता जी सबकी आवाज थी। ऐसी प्रतिभा विरले लोगों को ही मिलती है और यही कारण है कि उनके सुनने और सराहने वाले दुनिया भर में। लता जी कठिन से कठिन गीत पानी की सहजता से गाकर निकल जाती थी। एक गायिका होने के नाते मैं यह कह सकती हूँ कि उन्होंने भारत में चित्रपट संगीत और सुगम संगीत में गायन शैली का व्याकरण सजाया, गीत संगीत को नई परिभाषा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ही गायकों को मान सम्मान दिलाने का भी काम किया। यह उनके ही संघर्ष का परिणाम था कि गायकों को नाम और सम्मान मिलना शुरू हुआ। वह सच्चे अर्थों में सुर की साम्राज्ञी थी। तभी तो गाते हुए सांस की आवाज भी न आने देना, शब्दों का सटीक उच्चारण करना और हर धुन पर शास्त्रीयता को सहज कर पिरो देना वह बहुत सुगमता से कर लेती थी। ऐसा वही कर सकता है जिसने सुरों की सच्ची साधना बहुत लगन से की हो। लता जी का कैसा तो अद्भुत व्यक्तित्व था, वह तपस्विनी थी, वह राष्ट्र को समर्पित एक मननशील व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में बलिदान हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में लता जी द्वारा गाया गीत ए मेरे वतन के लोगों आज भी लोगों की आंखों को नम कर देता है। लता जी वीर सावरकर से प्रभावित थी, उन्होंने सावरकर से मिलकर देश सेवा की अभिलाषा भी प्रकट की थी। तब सावरकर ने लता जी को संगीत सेवा की सलाह देते हुए कहा था कि वह इसी के लिए आई हैं। लता मंगेशकर जी ने अपने गीतों से भारत को जैसे संजीवनी प्रदान की, वह अलौकिक है, अद्भुत है। लता जी गाते समय चप्पल नहीं पहनती थी, गाना उनके लिए ईश्वर की पूजा की तरह था। विगत अनेक दशकों से भारत लता दीदी के उन गीतों के साथ जी रहा है जो हर्ष में, पीड़ा में, प्रेम में, परिहास में, भक्ति में, राष्ट्र प्रेम में गुथे थे। हम भाग्यशाली हैं कि उस कालखंड के साक्षी हैं जिस समय लता जी इस सृष्टि को सुरों से रच रही थी। मृत्यु जीवन की पूर्णता है। लता जी अपने जीवन काल में अमरत्व तो प्राप्त कर चुकी थी, वह अमर हैं और अमर रहेंगी। उनके गीत सदियों गूंजेंगे। वह इकलौती थी, न भूतो न भविष्य, न भूतो न भविष्यत। उनकी स्मृति को वंदन नमन। लेखिका जानी मानी लोकी गायिका मालिनी अवस्थी जी हैं। एक बार फिर से लता जी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।